गाइस आज हमारे पास नॉइस तरफ से आने वाले नॉइस वर्टेक्स प्लस स्मार्ट वॉच और ये 2000 की रेंज की स्मार्ट वॉच है। और गाइस इसमें काफी सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। दो मंथ से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस वॉच के साथ में वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज्यादातर लॉन्ग टर्म रिव्यूज लेके आता हूँ मैं स्मार्ट वॉच की अपने इस चैनल के ऊपर। तो गाइस बताता हूँ कैसा इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा और इसके फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी कैसे। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने फिर से पैक किया आपके लिए, बताता हूँ बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स का डिजाइन काफी बढ़िया देके रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉइस वर्टेक्स प्लस डिजाइन इन इंडिया और 1.46 एमोलेड डिस्प्ले दे के रखे। इसमें 600 पीक ब्राइटनेस है, ब्लूटूथ कॉलिंग भी है इसमें। तो अनबॉक्स करते हैं गाइस इसे। तो गाइस कुछ इस तरह की पैकेजिंग रहेगी, काफी प्रीमियम पैकेजिंग है यहाँ पर क्योंकि वॉच भी हमारी महंगी है तो प्रीमियम तो होगी ही। और यहाँ पर ये स्टिकर रहेगा। और गाइस ये आगे हमारी स्मार्ट वॉच साइड में करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको इस तरह की चार्जिंग केबल मिल जाएगी, मैग्नेट वाली रहती है ये। और साथ में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन और स्टिकर कूपन्स आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और वारंटी भी है इसकी जो कि हमें एक साल की वारंटी मिलती है। ये है स्टिकर इसके। तो अब आते हैं हम अपनी वॉच की तरफ, इसे दिखाता हूं मैं। तो ये आगे गाइस हमारी स्मार्ट वॉच, ये है स्पेस ब्लू कलर में और इसमें आपको और भी काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। लेदर स्ट्रैप में भी है, चेन स्ट्रैप में भी है ये, बट उनके प्राइस थोड़े से ज्यादा है। और ये जो सिलिकॉन स्ट्रैप दे के रखा है यहाँ पर, मैं इसकी बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी है, सॉफ्ट है ये। और यहाँ पर एनिमेटेड वॉच फेस दे के रखे इसमें, तो काफी प्यारे लगते हैं ये। आप देख सकते हो कैसे आईज ब्लिंक हो रही है जो कि इस वॉच को थोड़ा यूनिक बना देता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर मेटल का यूज किया गया है जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है, सॉलिड है। बैक साइड की तरफ हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी ग्लास बैक दे के रखी है, तो इन हैंड फील काफी बढ़िया रहता है। और वॉच के साइड में यहाँ पर दो बटन्स दे के रखे हैं। इवन लॉक सिस्टम यहाँ पर सेम कलर में दे के रखा है, स्पेस ब्लू कलर में। और स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है, स्पीकर की लाउडनेस में मैं आपको सुनाऊंगा। और माइक यहाँ पर दे के रखा है। और ये वॉच हमारी IP68 रेटिंग के साथ में आती है, तो वाटर टेस्ट भी कर देते हैं इसका। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये IP68 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ में आता है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये सब करने के लिए। लेकिन हम टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि वॉच पानी से खराब हो जाती है फिर। तो अभी इसे पानी के अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये चली गई है पानी के अंदर, तो थोड़ी देर इसे रहने देते हैं यहाँ पर और उसके बाद चेक करते हैं फिर ये सरवाइव कर पाती या फिर नहीं। और ये आप देख सकते हो तो अभी थोड़ी देर के बाद हमने इसे निकाल दिया है, 3-4 मिनट के बाद बॉच जो है पूरी तरह से भीग चुकी है। और स्क्रीन यहाँ पर देखे हम तो स्क्रीन टच काम कर रहा है इसका, तो इसे मैं अच्छे से ड्राई कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये चल रही है कंटिन्यूसली या फिर नहीं। तो गाइस IP रेटिंग में तो हमारी वॉच पास हो गई है। बारिश में अगर खुद से भीग जाती है वॉच आपकी, बाहर हो गई और एकदम से बारिश लग जाती है, तब ये खराब होने वाली नहीं है। बट हाँ, उसमें अगर आप खुद से पानी के अंदर लेके जा रहे हो ना तब रिस्क है क्योंकि वॉटर प्रूफ नहीं है, वॉटर रेसिस्टेंस के साथ में आते। अगर आपकी गलती से वॉच खराब होती है ना तो इसे वारंटी के अंदर ठीक नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले और इसके UI के बारे में, किस तरह की UI देके रखी है इसमें। गाइस डिस्प्ले और UI की बात करें तो डिस्प्ले तो यहाँ पर AMOLED देके रखी है और 600 पीक ब्राइटनेस भी है, तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ना वो भी काफी अच्छी है। लेकिन हम पहले UI की बात कर लेते हैं। और वॉच फेसेस की तरफ अगर हम नजर डालें तो काफी सारे वॉच फेसेस हैं यहाँ पर और आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। पर UI की बात करते हैं, अगर आप स्क्रॉल अप करते हो ना तो यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग्स मिल जाएगी, जैसे ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, रेस टू बेक की ऑप्शन आपने ऑन ऑफ करनी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपने ऑन ऑफ करनी है, बैटरी परसेंटेज आपको दिख जाएगी और ब्लूटूथ कॉलिंग भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और गाइस इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपकी सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएंगी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की, बट यहाँ पर इमोजी रीड नहीं करती है ये वॉच। और आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपका क्विक मेन्यू आ जाता है, तो यहाँ पर जैसे अपने अलार्म सेट करना है, हार्ट बीट देखनी है अपनी, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती है और आप इसे खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे SPO2 हार्ट रेट या फिर अलार्म जो भी आपने यहाँ पर रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और राइट स्वाइप करने पर यहाँ आपका एक्टिविटीज रिकॉर्ड आ जाएगा और बाकी यहाँ पर हार्ट रेट वगैरह चेक करनी है तो वो सारी ऑप्शंस मिल जाती है। अब मैं आपको इसके अंदर की एप्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर दो बटन्स देके रखे हैं, ऊपर वाले बटन को आप प्रेस करते हो यहाँ पर आपकी सारी की सारी एप्स आ जाएंगी। वर्कआउट आ गया, वर्कआउट रिकॉर्ड्स आ गया, एक्टिविटी आ गया, हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग भी है, बॉल, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स, अलार्म, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर, कैलकुलेटर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा, रिमोट, फाइंड माई फोन, फ्लैश लाइट और सेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर देके रखी है। सेटिंग में यहाँ पर वॉच फेस, डिस्प्ले में यहाँ पर आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, स्क्रीन टाइम यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम 15 सेकंड, रेस टू बेक की ऑप्शन यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ऑल डे रख सकते हो या फिर आपने खुद से टाइम सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पर वॉच फेसेस भी है, दो टाइप के हैं, डिजिटल और एनालॉग, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आपके पास ऑप्शन है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बैक आते हैं, रिमाइंडर्स के ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन है, बैटरी के ऑप्शन है, यहाँ पर पावर
सेविंग मोड भी देके रखा है। अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो आप पावर सेविंग मोड में डाल सकते हो। जनरल में यहाँ पर आपको ऐप व्यू की ऑप्शन मिल जाती है, लिस्ट ग्रिड जो भी आपने रखना है, और यहाँ पर कॉल अलर्ट्स में यहाँ पर वाइब्रेशन या रिंग और वाइब्रेशन दोनों पर रखना है आपने तो वो भी आप कर सकते हो। और वाइब्रेशन इंटेंसिटी में यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग रखना है या सॉफ्ट रखना है वो ऑप्शन भी है। पावर ऑन ऑफ, रिबूट और रिस्टार्ट की ऑप्शन है यहाँ पर। इन सब के अलावा गाइस यहाँ पर एक और बटन देके रखा है, अगर आप इसे प्रेस करते हो यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आ जाएंगे। 110 प्लस यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल जाती है, और इस बटन को आप एक बार फिर से प्रेस करते हो तो जीपीएस कनेक्टिविटी देके रखी है, तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे एकदम एक्यूरेट। ये काफी अच्छी बात है इस वॉच में। और गाइस हार्ट रेट सेंसर और एसपीओटू को अगर हम चेक करते हैं, पहले तो हम वॉच को बिना पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आगे कि आपको वॉच पहले पहनना पड़ेगी, तो गाइस इसे हम पहन लेते हैं। अब गाइस मेजर करना शुरू कर दिया है, 98, 100, तो कुछ ऐसी हार्ट बीट बता रहा है। ये हार्ट बीट मेरी ज्यादा है गाइस, तो ज्यादा बता रहा है यहाँ पर अभी। तो गाइस यहाँ पर ये जो सेंसर्स है ना, इनके रिजल्ट मैं 100% एक्यूरेट तो नहीं कहता हूँ, बट हाँ 98% आप मान के चल सकते हो। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है। यहाँ पर यही थोड़े बहुत सेंसर दे के रखे हैं, यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग वगैरह की ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर वो भी होते तो और भी सही रहता। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, यूआई भी अच्छी है इस वॉच की, बस जो टच रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा और स्मूथ होता, 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता और भी मजा आता। बाकी यूआई तो बढ़िया है, वॉच फेसेस भी बढ़िया है, यहाँ पर आईपी रेटिंग भी देके रखी है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की, फिर कॉलिंग की बात भी करेंगे। बैटरी बैकअप की बात करेंगे इस, तो यहाँ पर 6 days का ब्रांड क्लेम करती है, तो हमने जब यूज किया था इसे तो 5 days के आसपास का बैटरी बैकअप इसने निकाल के दिया, और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में 2 से 3 दिन के बीच का बैटरी बैकअप मुझे देखने को मिला था इस वॉच के साथ में। और यहाँ पर मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसकी ऑन रखी थी, और ब्लूटूथ कॉलिंग जब मैंने यूज किया था उसके साथ में मैं बता रहा हूँ। अब कॉल क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर गाइस अभी कॉल करते हैं, उसके बाद मैं आपको रियल दिखाता हूँ कि रियल टाइम क्या एक्सपीरियंस रहता है। हेलो आशु, कैसा है? मैं बढ़िया। अच्छा ये बता, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तेरे को या फिर नहीं? थोड़ी दूर से आ रही है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर नहीं लग रहा? अच्छा अच्छा, चल ठीक है फिर ना। ओके भाई, बाय। तो गाइस यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग के जो आउटपुट है ना, वो माइक अच्छा देके रखा है इसमें, लेकिन जो स्पीकर की आउटपुट है वो उतनी भी सही नहीं है। यहाँ पर जिस प्राइस पे ये मिल रही है उस हिसाब से थोड़ी और अच्छी होती है तो मजा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कॉल क्वालिटी का अगर रेटिंग देता हूँ ना 10 में से, तो यहाँ पर मैं 6 ही दूंगा। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, क्योंकि प्राइस भी गाइस 2000 के आसपास ये वॉच मिल रही है, तो थोड़ी क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए थी। बाकी गाइस अब ओवरऑल इसका एक कंक्लूजन मैं बता देता हूँ, वॉच बढ़िया है, फीचर्स वगैरह भी ठीक है इसमें दिए हुए, बिल्ड क्वालिटी भी इसमें बढ़िया है, थोड़ी बहुत कमियां भी हैं इसमें जो कि मैंने आपको बता दिया। रिफ्रेश रेट यहाँ पर डिस्प्ले का 60Hz होता तो और सही रहता, और कॉल क्वालिटी थोड़ी सी और बढ़िया होती तो और भी सही रहता। बाकी इसके अलावा वॉच बढ़िया है, थोड़े बहुत यहाँ पर सेंसर्स में भी कमी दे के रखी है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग नहीं है, और थोड़े बहुत और फीचर्स ये ऐड कर देते तो और सही रहता। बाकी गाइस ये था कुछ रिव्यू इस वॉच के साथ में, अगर आपके माइंड में अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो इस वॉच को लेने का, कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।